नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। अमरोहा शहर के जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के रामलीला मैदान में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक संख्या में होने वाले निर्वाचन में मतदान करने और मतदान के प्रति जागरूक होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अली हसन इंटर कॉलेज, कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज, ज्योति शिक्षा सदन, जेएस हिंदू इंटर कॉलेज सहित विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं ने, अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ ग्रहण की। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ ईमानदार सरकार के चुनाव के लिए अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनना, ताकि वह आपके कल्याण के लिए अधिक से अधिक विकास के अवसर सुलभ कर सके। यह तभी हो सकता है जब आप एक अच्छी सरकार चुनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का अहम योगदान है, जो देश की राजनीति और शासन की दिशा को तय करता है। एक तरफ मतदान एक अधिकार है, तो एक जागरूक नागरिक के लिए एक कर्तव्य भी है, क्योंकि अपने मत का बिना लोभ लालच के समझदारी से उपयोग करने की जिम्मेदारी हम पर है। लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया द्वारा ही तय किया जाता है कि जनता किस प्रकार की सरकार चाहती है, अथवा कौन लोग सरकार में रहेंगे या कौन नहीं। जब एक प्रत्येक नागरिक अपने अमूल्य मत की शक्ति से परिचित नहीं होगा, तब तक वह उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले तथा ईमानदारी के साथ मतदान करते हुए राष्ट्र को एक सशक्त सरकार प्रदान करने में अपने यथेष्ट योगदान दे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विद्यालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यालयों के बच्चों को प्रदर्शन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस प्रकार निर्वाचन संबंधी कार्यों में अधिक लोगों को घर घर जाकर वोट बनवाने और बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ व अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी भगवान शरण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह, उप निदेशक कृषि, परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप, जिला कृषि अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं, अध्यापकगण तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।